हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि डेली मैं एक एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आऊँगा मैथ में, तो रियल नंबर का एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है ना। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं 2020 क्वेश्चन के एमसीक्यू हैं। पहले ये 20 क्वेश्चन वाला जो सीरीज है इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगर लगेगा कि हाँ और भी कुछ करना है उसके लिए फिर से एक नए टाइप का एमसीक्यू लेके आएंगे, है ना। तो अभी हम लोगों का 2020 का है। 20 का मतलब आप ये समझ लो, 20 एमसीक्यू करने का मतलब है उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। मतलब आप समझ लो कि सारे कंसेप्ट इसी 20 क्वेश्चन के अंदर डिस्कस हो जाएंगे। अगर कुछ रह जाता है तो वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियोज बना दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3r क्या होगा, है ना। तो इसके लिए इसे क्या करना होगा, फैक्टोराइज करना होगा पहले। तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3, ठीक है ना। तो पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इस वाले ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो माइनस एम इंटू एम क्या होना चाहिए, माइनस एम स्क्वायर, और माइनस एम इंटू 3 माइनस में 3m। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, करके देखते हैं। इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे क्योंकि हमें जीरो फाइंड आउट करना है, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इसको हम एक साथ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और माइनस 3x और माइनस 3m इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, माइनस 3x और माइनस 3m। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम, है ना। और माइनस 3x माइनस 3m इन दोनों में से हम माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होना चाहिए, एक्स प्लस एम होना चाहिए। चूंकि हमने माइनस को कॉमन लिया है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। अब एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम ये एक टर्म है, और दूसरा टर्म है 3 इंटू एक्स प्लस एम। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एक्स प्लस एम, है ना, एक्स प्लस एम। तो जब हम एक्स प्लस एम को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलना चाहिए, एक्स माइनस एम, यहाँ से एक्स माइनस एम और माइनस में 3, ठीक है ना। जीरो के इक्वल भी करेंगे क्योंकि हमें जीरो फाइंड आउट करना है। जब भी जीरो फाइंड आउट करना है तो जीरो के इक्वल करके फैक्टोराइज कीजिए। फैक्टोराइज करके जो भी आता है, जैसे एक्स प्लस एम है तो इसको भी जीरो के इक्वल कर लेंगे, और एक्स माइनस एम माइनस 3 इसको भी जीरो के इक्वल कर लेंगे। तो जैसे एक्स प्लस एम जीरो के इक्वल है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस एम, और एक्स माइनस एम माइनस 3 जीरो के इक्वल है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, एम प्लस 3, है ना। तो टू जीरोज हैं, माइनस एम और एम प्लस 3। तो माइनस एम और एम प्लस 3 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट का क्या हो जाना चाहिए, बी, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये भी रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज शॉर्ट ट्रिक बताओ, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि सभी क्वेश्चंस के लिए शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस के लिए होता है। तो जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स होंगे वहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक्स करके बताऊंगा। कुछ चैनल्स वाले क्या करते हैं ना कि बस ऐसे क्वेश्चंस उठा के ले आते हैं जिसमें बस शॉर्ट ट्रिक हो, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते नहीं है, है ना। कुछ आते हैं, तो आप ये मत समझो कि सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स पे ही आएंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसको पूरा सॉल्व करके आपको पता लगाना पड़ेगा कि इसके जीरोज क्या क्या होंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग माइनस 3 हैविंग जीरोज माइनस 3 एंड 4 वनली इच। तो इसका डिग्री पूछा जा रहा है। आपको बता दें किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे। क्यूबिक का डिग्री 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। तो यहाँ पे हमसे इसका उल्टा पूछा जा रहा है। अगर 2 जीरोज गिवन है इसका मतलब है जो भी पॉलिनोमियल रहा होगा उसकी डिग्री 2 होगी। तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए, ये तो ऐसा क्वेश्चन है इसको देखते ही आप टिक कर देंगे। मान लीजिए हैविंग जीरोज यहाँ पे लिखा रहता माइनस 3, 4 और एक और कोई जीरो दे देता, लेके चलते हैं कि 1 दे दिया, फिर आपसे कहता कि उसकी डिग्री क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता। एक और जीरोज गिवन होता तो 4 जीरोज होते। जितने जीरोज उतने डिग्री, है ना, इसको याद रखना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक था एक तरीके से,
देखते ही आप इसको टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं कि एक सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसको आप देखते ही टिक कर सकते हैं, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में जादू नहीं होता है ना कि जादू किया और हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना, इसमें देखिए मैं क्या करूँगा, वन पॉइंट पे, दो पॉइंट पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तीन पॉइंट पे, तो आंसर 3 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोज पूछा जा रहा है, इसमें आपको क्या करना है ना, ये देखना कि जो ग्राफ है वाई इक्वल टू पी एक्स का, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। तीन पॉइंट पे टच कर रहा है तो 3 होंगे। अगर मान लीजिए ऐसे होता, इस तरीके से होता, एक पॉइंट पे और कर रहा होता तो 4 हो गए, ऐसे तो 5, मतलब जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो यहाँ पे एक, वन पॉइंट, टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट पे हैं तो 3 जीरोज होंगे। तो ये y इक्वल टू पी एक्स है, तो अगर y इन टर्म्स ऑफ x दिया है इस तरीके से तो हम x एक्सिस को देखते हैं, लेकिन अगर इसका उल्टा हो x इक्वल टू पी वाई और तब आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछे जाएँ, तो आपको ये देखना है कि y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको याद रखिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि अगर x इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है तब भी ऐसे ही काउंट करके आ जाएंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। मैंने 20 ऐसे क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही भी आए हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको करने के बाद ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो संयम से पढ़ाई करें, ऐसा मत सोचे कि समय कम है, समय अच्छा खासा है। डेली अगर आप 30 टू 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, 20 क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ, और भी आपके रिसोर्सेस होंगे वहाँ से करना है, तो 30-40 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा सोचना नहीं है उस बारे में, जो टाइम है उसी में करो, और हर सब्जेक्ट के कम से कम 10 सैम्पल पेपर करो आप, है ना, हर सब्जेक्ट के 10 सैम्पल पेपर कर लो आप। कोई भी मार्केट में बहुत सारे सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं, उसमें से कोई भी ले लो, सब अच्छे होते हैं, है ना, और उसमें से कम 10 सैम्पल पेपर कर लो आप, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ जाएंगे। और यहाँ भी जो मैं करवा रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट अगर ये नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज, इससे पहले भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। इसमें हमें बस ये देखना होता है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, ये वाला जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो 2 होंगे। तो फोर्थ का क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। संयम के साथ पढ़ाई करना, ये नहीं सोचना है कि हमने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया तो अब भी नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसको आप ने अगर मैथ जिंदगी में कहीं नहीं पढ़ा ना, कभी नहीं पढ़ा, तब भी आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, मेहनत कीजिए मन लगा करके। जितने आपके अदर क्या कहते हैं वर्क हैं, जैसे कि गेम खेलना और भी एक्टिविटीज हैं, सबको आप बंद कर दो, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं ना सबको आप बंद कर दो, चूँकि अब समय नहीं है, ठीक है ना। अब अगर डेली यही सोचने में आप निकाल दोगे कि समय कम है, तो वो भी सही नहीं है। बस पूरे मन से पढ़ाई में लग जाओ, है ना, और ये सोच लो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बन जाएगा। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोज होंगे, एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मान लीजिए। अगर आपको अल्फा बीटा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को, मान लीजिए अल्फा और बीटा है, ठीक है ना, और हमसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बस यही अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका नहीं, यहाँ पे देखिए क्या है ना कि इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, सम ऑफ हुज जीरोज -5 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का ही वैल्यू इसने -5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -5 और प्रोडक्ट 6 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 6। कुछ जगहों पे क्या होता है ना, जीरोज अलग अलग इवन होते हैं, यानी अल्फा मान लीजिए अगर अल्फा -5 होता और बीटा 6 होता, तो यहाँ पे हम -5 प्लस 6 लिखते, लेकिन ये पहले से
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, यानी जीरोज को ऐड करके इसमें माइनस फाइव दिया हुआ है और जीरो का प्रोडक्ट जो है यानी कि अल्फा इंटू बीटा सिक्स दिया हुआ है इसने, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं एक नोटबुक लेके बैठे, उसमें ऐसा बहुत कुछ होता है क्वेश्चन को करते वक्त जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको नोट कीजिए, ठीक है ना, खुद का बनाया हुआ नोट सबसे अच्छा होता है, तो नोट भी बनाएं जहाँ पे लगता है कि नहीं इस बात को नोट करना है उसे नोट करें, और अगर किसी क्वेश्चन को लगता है कि आप खुद कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स है तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना है और फिर चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। पढ़ने का जो सही तरीका है ना उसे अपनाइए, है ना, इधर उधर करने से कहीं के नहीं रह जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो जो ज़रूरी है बस वही करें, जहाँ से राइट रिसोर्स मिलता है बस वहीं से लें, ठीक है ना, ज़्यादा शोर शराबा करने वालों के पीछे मत जाएं, ठीक है ना, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप ये कर जाओगे वो कर जाओगे, उन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, कहते हैं ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना वही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू देन द वैल्यू ऑफ के, वन जीरो गिवन है, आपका जो पॉलिनोमियल है उसको पी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू सॉरी प्लस के, और हमसे कह रहा है कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो, यदि इसका एक जीरो टू है, यहाँ पे देख रहे ना यहाँ पे टू गिवन है, तो ये जीरो है, जीरो का मतलब है कि एक्स के प्लेस पे जब हम टू पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, तो पी टू इक्वल टू जीरो, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना उस जगह पे टू पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स यानी कि थ्री इंटू टू और प्लस में के इक्वल टू जीरो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर क्या होता है फोर होता है, थ्री इंटू टू करेंगे तो क्या होना चाहिए सिक्स होना चाहिए और प्लस में के इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से के प्लस टेन इक्वल टू जीरो, तो के प्लस टेन इक्वल टू जीरो है तो के का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू हो जाना चाहिए माइनस टेन, आर एच एस में शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का माइनस, तो के इक्वल टू माइनस टेन, तो के का वैल्यू माइनस टेन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और कुछ अफवाह भी फैलते रहेंगे, है ना, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, जैसा होगा भाई देखा जाएगा, ठीक है ना, कुछ लोग अफवाह फैलाने में लगे हैं तो उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, आप लोगों का जो टेस्ट है वो ऑफलाइन ही होगा, ओ एम आर सीट आप लोगों को दिया जाएगा उसे फिल करना होगा, ठीक है ना, तो ऑफलाइन मोड में ही होगा और आप लोगों के सेंटर्स भी डिसाइड किए जाएंगे, होम सेंटर नहीं होगा, यानी जिस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे सेंटर नहीं होगा, सेंटर किसी और स्कूल में होगा, वहाँ जा करके आपको एग्ज़ाम देना होगा, तो मन लगा के पढ़ाई करें और मैथ की चिंता छोड़ दें, मैथ के लिए मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोज बनाता रहूँगा, ठीक है ना, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि फ़ायदा है तो क्या करें ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ठीक है ना, अपने दोस्तों को भी बताएं कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर और वहाँ से हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, आप भी जुड़ जाओ, ठीक है ना, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एक वीडियो अपलोड करने में बहुत मेहनत करना होता है, बहुत सारा सेटअप करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैविंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो विल टच एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली हाउ मैनी पॉइंट्स, तो ये तो याद करने वाला चीज़ है, डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डी और ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, है ना, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है ना, तो इसको याद कर लीजिए, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो तो उसका जो ग्राफ है, ठीक है ना, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, तो जो ग्राफ है वो इस तरीके से एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से निकल जाएगा, और अगर मान लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो वो इस तरीके से होगा, यानी दो पॉइंट पे कट करेगा, है ना, याद रखना है इस चीज़ को, और अगर डी लेस देन जीरो है, अगर डी लेस देन जीरो है तब वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, नीचे से या ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना, तो तीनों कंडीशंस को याद रखना है, अगर इक्वल टू जीरो हो तो एक पॉइंट पे, ग्रेटर देन जीरो हो तो दो पॉइंट पे,
और अगर लेस देन जीरो हो तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स विथ -24 एंड 4 एज अ प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द जीरोज रिस्पेक्टिवली। हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, उसमें जो -24 है ना वो जीरोज का प्रोडक्ट है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा -24 है एंड 4 वन ऑफ द जीरो है। तो इसमें से मान लेते हैं कि 4 अल्फा का वैल्यू है, 4 जो है वो अल्फा का वैल्यू है, तो 4 इंटू बीटा इक्वल टू -24। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या होगा, -24/4। तो जब हम इसको इसे कैंसिल करेंगे तो 4 6 जा, तो ये -6 होगा। तो कहने का मतलब है 10, यानी कि अल्फ़ा जो है वो 4 है और जो बीटा है वो -6 है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी अभी आप लोगों को बताया गया था कि अगर 2 जीरोज मालूम हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² - x इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है ना। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, x² - x अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -6 है, 4 और -6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, 6 4 जा क्या होगा 24, माइनस में 24, तो x² - x इंटू -2 तो प्लस में 2x, और प्लस इंटू -24 तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -24, x² - 2x - 24। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है ना। x² - 2x - 24 एक बार फिर से मिला लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट अल्फा बीटा -24 है, तो यहाँ पे और 10 जो है वो 4 गिवन है, तो 4 इंटू बीटा इक्वल टू -24, यहाँ से बीटा का वैल्यू आया -6, अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 4 और प्लस में -6, तो -2 होना चाहिए। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, -x - -2 करेंगे तो ये प्लस होना चाहिए, माइनस माइनस, तो x² + 2x - 24 ऑप्शन नंबर 8 का बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि द पॉलिनोमियल x - a वेयर a ग्रेटर देन 0 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 4√2x²-√2। विच ऑफ दिस इज अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टर इज x - 1/a। तो x - a जो है वो qx का एक फैक्टर है, तो qx का अगर वो फैक्टर है तो आप समझिए इसको, यहाँ पे qx इक्वल टू गिवन है 4√2x²-√2 और कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का x - a एक फैक्टर है। तो अगर x - a qx का फैक्टर है तो आप क्या कीजिए, इसको 0 के इक्वल कीजिए, 0 के इक्वल करने पे x का वैल्यू आ जाएगा a। तो यहाँ पे जो a है ना वो qx का 0 कहलाएगा, ये तरीका होता है। कहने का मतलब है कि अब अगर हम qx में x के प्लेस पे a पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, है ना। तो कहने का मतलब है कि 4√2 x स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर होगा और माइनस में रूट टू इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4√2 a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, √2। तो दिस इज इम्प्लाइज ए स्क्वायर इक्वल टू √2/4√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाना चाहिए, क्या होगा 1/4। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1/4 है। तो अगर ए स्क्वायर का वैल्यू 1/4 है तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, ±1/2। तो ए का वैल्यू होगा ±1/2। और हमसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ दिस इज अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टर इज x - 1/a, है ना। तो अगर हम a के प्लेस पे +1/2 और 1/2 को पुट करें, अगर हम पहले +1/2 को पुट करें तो x-1/1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो x-2 होगा,
और अगर हम माइनस वन बाई टू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, ठीक है ना। तो एक तो हमें एक्स माइनस टू मिल रहा है और एक एक्स प्लस टू मिल रहा है। कहने का मतलब है या तो एक्स माइनस टू या तो एक्स प्लस टू, इसमें से किसका फैक्टर है बस हमें वो पता लगाना है, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स माइनस टू की बात करें, चेक करते हैं कि इसमें से किसका फैक्टर है, अगर किसी का मिल जाता है मतलब वही करेक्ट होगा। तो एक्स माइनस टू को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल कर लेंगे, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा टू, एक्स की वैल्यू टू इसमें पुट करेंगे तो पहले वाले में ये तो जीरो नहीं आएगा, अगर सेकेंड वाले में हम पुट करें तो टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू माइनस सिक्स, तो जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, आगे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बस टाइम वेस्ट होना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नाइन का करेक्ट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, सीबीएसई के क्वेश्चन, बैंक से लिया गया है ये क्वेश्चन। विच ऑफ दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। तो इसमें से कौन सा इसका फैक्टर है ये पता लगाने के लिए, जब आप एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल कीजिएगा, इसको जब आप जीरो के इक्वल कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू मिलेगा माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, माइनस वन को इसमें पुट करके देखेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो एक्स प्लस वन फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो एक्स क्यूब, यहाँ पे जो पी एक्स गिवन है वो है एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो एक्स के प्लेस पे माइनस वन, माइनस वन का क्यूब, माइनस वन का क्यूब प्लस में फोर इंटू, फोर इंटू माइनस वन और प्लस में फाइव। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होगा, चूंकि माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन ही होना चाहिए। फोर इंटू माइनस वन माइनस फोर और प्लस में फाइव, तो माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव होगा, माइनस फाइव और प्लस फाइव, माइनस फाइव और प्लस फाइव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जीरो आ गया मतलब 100% एक्स प्लस वन जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर हो गया, एक से अधिक ऑप्शन तो होता नहीं है, बाकी को हम चेक करेंगे ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, बहुत मेहनत करके हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप लोगों को बस क्या करना है कि इस मेहनत के बदले, ठीक है ना, इस मेहनत के बदले अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा देना है। उससे फ़ायदा क्या होगा ना कि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिंक दे दिया है नीचे, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। उससे क्या होगा ना कि मैं नए नए अपडेट्स वहाँ पर डालता रहूँगा, ठीक है ना, तो वहाँ से भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है कि गिवन डैट एम प्लस टू वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर, एम प्लस टू गिवेन है वेयर एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस सिक्स, विच ऑफ दिज इज द वैल्यू ऑफ एम। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू एम का है। तो यहाँ पे चूंकि एम प्लस टू जो है, एम प्लस टू क्यू एक्स इक्वल टू, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस सिक्स, इसका जीरो है एम प्लस टू। तो अगर जीरो है एम प्लस टू तो कहने का मतलब एक्स के प्लेस पे अगर हम एम प्लस टू पुट कर दें, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अगर हम एम प्लस टू को पुट कर दें तो एम प्लस टू का स्क्वायर माइनस में एम एक्स है तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, एम प्लस टू, एम प्लस टू और माइनस सिक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल, ठीक है ना। कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो गिवन हो उसको एक्स के प्लेस पे पुट कीजिए, 100% वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस टू ए बी करेंगे तो फोर एम होना चाहिए, टू इंटू एम इंटू टू, और प्लस में बी स्क्वायर टू का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, फोर होगा। माइनस में एम इंटू एम, एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर होना चाहिए,
और माइनस एम इंटू प्लस टू, तो माइनस में टू एम, और यहाँ पे माइनस सिक्स है उसको नोट कर लेते हैं, इक्वल टू जीरो। तो प्लस एम स्क्वायर से माइनस एम स्क्वायर कैंसिल, फोर एम से टू एम को माइनस करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, टू एम, और प्लस फोर माइनस सिक्स क्या होगा, माइनस टू, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टू एम इक्वल टू टू होना चाहिए, टू एम इक्वल टू टू, तो टू एम का वैल्यू अगर टू है तो m इक्वल टू क्या होगा, m इक्वल टू टू बाई टू, तो टू से टू को कैंसिल कर लेंगे, तो टू से टू को कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, वन। वन आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो 11 का जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिज, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है विच ऑफ दिज इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई स्क्वायर, पी वाई इक्वल टू थ्री वाई क्यूब माइनस 16y माइनस 8। तो पुट करके देखेंगे, अगर जीरो आ जाता है तो जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे अगर हम टू पुट करते हैं तो थ्री इंटू टू का क्यूब क्या होगा, टू के पावर में थ्री, एट, तो थ्री इंटू एट, माइनस में 16y, तो 16 इंटू टू और माइनस में 8, तो 8 थ्री जा 24, 8 थ्री जा 24, 16 टू जा 32 और माइनस में 8, ये तो जीरो नहीं आएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो नहीं आएगा। अब 8 अगर हम पुट करते हैं, 8 से पहले ना देखिए एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना, 8 थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, ठीक है ना। तो बड़ा वैल्यू है तो पहले माइनस टू पर चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माइनस टू छोटा वैल्यू है। अगर इस पे नहीं होगा तो 8 और माइनस 8 पे ट्राई करेंगे। तो माइनस टू पे चेक करते हैं, एग्जाम में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बड़े वैल्यू को चेक करने से पहले छोटे वैल्यू को कर दो, चूँकि उसमें टाइम कम लगना है। 3y के पावर में 3 है, तो 3 इंटू माइनस 2 के पावर में 3 माइनस में 16, यही आप लोग कह रहे थे ना कि ट्रिक, तो यही सब छोटा छोटा ट्रिक है जिसको याद रखना है। 16 इंटू माइनस 2 और माइनस में 8, तो माइनस टू के पावर में 3 है तो वो माइनस 8 होगा, क्योंकि माइनस टू इंटू माइनस 2 प्लस 4, प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 8 थ्री जा करेंगे तो क्या होना चाहिए, माइनस 24, माइनस 16 इंटू माइनस 2 करेंगे तो प्लस 32, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और माइनस में 8, तो माइनस 24 माइनस 8 मिलकर के हो जाएंगे माइनस 32 और प्लस में 32, तो जीरो, जीरो आ गया। इसका मतलब है माइनस टू जो है वही जीरो होगा पी वाई का, तो बाकी के ऑप्शन हम ट्राई नहीं करेंगे। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही देखना है, छोटे वैल्यूज पे पहले चेक करेंगे, क्योंकि बड़े वैल्यूज को कैलकुलेट करने में टाइम कंज्यूम होगा बिना मतलब का। 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि कंसीडर द पॉलिनोमियल इन जेड, ये जेड में दिया हुआ है, वैसे एक्स में जनरली होता है, यहाँ पे जेड में दिया हुआ है, पी जेड इक्वल टू जेड के पावर में 4 माइनस 2z क्यूब प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट जेड इक्वल टू माइनस 1। इससे आसान क्या हो सकता है, बस जहाँ जहाँ जेड है वहाँ वहाँ आप माइनस 1 पुट कर दो, जैसे पी जेड था तो पी माइनस 1, जेड के पावर में 4 तो माइनस 1 के पावर में 4, माइनस 2z क्यूब तो माइनस में 2 इंटू माइनस 1 के पावर में 3 और प्लस में 3, तो माइनस 1 के पावर में 4 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर हो तो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड नंबर हो तो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ अगर पावर में 3 होता तो माइनस 1, 5 होता तो माइनस 1, 8 होता तो प्लस 1, फिर माइनस 1 के पावर में 3 तो माइनस 1 ही होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो प्लस 2 और प्लस में 3, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कर लेंगे तो क्या होना चाहिए, 6। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो 20 क्वेश्चन का सीरीज जैसे पूरे सिलेबस का कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए, जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं, दोनों साथ में मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, है ना। और साथ में एक
चीज़ है जो करना ही करना है आपको, सब्सक्राइब करना ही करना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि मैं इस चैनल पे हूँ और मुझे वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। कंसीडर द एक्सप्रेशन एक्स टू द पावर एम स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री एक्स टू द पावर एम बाई टू वेयर एम इज अ कॉन्स्टेंट फॉर वॉट वैल्यू ऑफ एम विल द एक्सप्रेशन बी अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल होने के लिए x के पावर में जो एम स्क्वायर माइनस वन है, एम स्क्वायर माइनस वन है, इसको इक्वल टू थ्री होना पड़ेगा। तो अगर एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री इक्वल टू थ्री, तो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन को इधर ले जाएंगे तो प्लस वन, तो थ्री और वन मिला करके फोर, तो एम इक्वल टू क्या होगा, फोर का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस टू, हमेशा प्लस माइनस लग ही जाता है, ठीक है ना। तो प्लस टू और माइनस टू, तो यहाँ पे प्लस टू भी ऑप्शन में दिया हुआ है, माइनस टू भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही ऑप्शन सही है। तो जैसे प्लस टू की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम प्लस टू पुट करेंगे तो एक्स टू द पावर एम स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे तो थ्री आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, फोर में से वन चला गया तो थ्री, और प्लस में थ्री एक्स के पावर में एम बाई टू, तो थ्री एक्स टू द पावर टू बाई टू, टू बाई टू तो कैंसिल होकर के वन आ जाएगा, यानी ये हो जाना चाहिए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब और प्लस में थ्री एक्स, प्लस में थ्री एक्स, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है। अब अगर माइनस टू अगर हम पुट करते हैं तो एक्स क्यूब तो आ जाएगा माइनस टू पर भी, लेकिन प्लस में थ्री एक्स के पावर में जब हम माइनस टू अपॉन टू करेंगे तो ये माइनस में वन आ जाएगा। और किसी भी पॉलीनोमियल में, कहीं भी अगर किसी एक्सप्रेशन में पावर निगेटिव हो तो वो पॉलीनोमियल नहीं होता है, इसलिए हम माइनस टू को इग्नोर करेंगे यहाँ पे। तो इसी बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसको इग्नोर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपका जो सही आंसर है 14 का वो बी है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कुड बी फॉर द सिंपल पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की ये बात कर रहा है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर है तो ये पहला वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दूसरा वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी होगा या तो ऐसे होगा और या तो नीचे की तरफ होगा। तो ऑप्शन सी और डी में से एक सही होना चाहिए। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो जीरो पे जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, वाई की वैल्यू जीरो, फिर वन पे वन, चूँकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, टू पुट करेंगे तो फोर, फिर अगर हम माइनस टू पुट करते हैं तो माइनस टू का भी स्क्वायर क्या होगा, फोर ही होगा। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, जीरो पे जीरो देखिए यहाँ पे है, वन पे वन यहाँ पे है, ठीक है ना, और टू पुट करते ही फोर मतलब यहाँ पे है। इसी तरीके से माइनस वन पे प्लस वन यानी ऊपर की तरफ, माइनस टू पे प्लस फोर मतलब यहाँ पे मिलना चाहिए, तो यही ग्राफ होगा, ठीक है ना। अगर y इक्वल टू, वैसे भी आप याद कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर की तरफ ग्राफ होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर होता तो ये वाला ग्राफ होता जो नीचे की तरफ है, ठीक है ना। तो इसको भी याद रखिए, देखते ही टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन। प्रशांत क्लेम्स डैट द पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू एम ए टू एम एक्स टू द पावर ए प्लस एक्स टू द पावर टू बी वेयर ए ग्रेटर देन टू बी, इसमें ए टू बी से बड़ा है, हैज फोर बी जीरोज। और प्रशांत क्लेम टू बी करेक्ट विच ऑफ दिस मस्ट बी ट्रू। तो प्रशांत का क्लेम ट्रू करने के लिए इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। तो फोर बी जीरोज दिए हुए हैं, तो फोर बी जीरोज दिए हुए हैं, तो ये जो x के पावर में a है, चूंकि a टू बी से बड़ा है, तो a के इक्वल फोर बी को होना पड़ेगा, चूंकि हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो डिग्री यहाँ पे कह रहा है कि a जो है वो टू बी से बड़ा है, और जो बड़ा वैल्यू होता है वही पॉलीनोमियल की डिग्री कहलाती है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो इसकी जो डिग्री है वो थ्री होगी, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वही। तो चूंकि ए सबसे बड़ा है तो इसी को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज के इक्वल कर देंगे, और नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे फोर भी कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहले कह रहा है अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री
हैज़ टू जीरोज, तो गलत कह रहा है ना, जितने डिग्री होंगे उतने ही जीरोज होंगे। बी में कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फोर हैज़ फोर जीरोज, तो ये सही कह रहा है। और अगर ये सही कह रहा है तो फिर हम आगे पढ़ें ही क्यों, उसमें अपना टाइम क्यों बिना मतलब का गंवाना। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस में ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसमें तीन अलग अलग होता है, एक तो सम ऑफ जीरोज होता है जिसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कहते हैं, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है आपसे सम ऑफ जीरोज पूछता तो माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये होता है सी बाई ए, सी अपॉन ए। और एक और होता है जिसको कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही हमसे पूछा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में दो ही होता है रिलेशन, एक तो अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी बाई ए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ जीरो पूछा जाए तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर पूछा जाए तो वो होता है सी बाई ए। तो इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 18 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल देन, इसमें बहुत सारा कंडीशन दिया हुआ है कि सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, सी एंड बी हैव अपोजिट साइन, सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी एंड बी हैव द सेम साइन। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है, लेकिन चूंकि जीरोज इक्वल है तो अल्फा प्लस अल्फा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस अल्फा लिख लेंगे, ये होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से टू अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ से अल्फा इक्वल टू माइनस में बी अपॉन टू ए, तो यही अल्फा का भी वैल्यू होगा और यही बीटा का भी वैल्यू होगा, दोनों इक्वल होगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा होता है, एक अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा को हम अल्फा इंटू अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जीरोज इक्वल हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। तो आप एक बात समझो, अल्फा स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर भी अल्फा के प्लेस पे पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो सी है और ए है दोनों का सेम साइन होना चाहिए, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव भी होगा तो कैंसिल होकर के पॉजिटिव, या फिर दोनों पॉजिटिव हो। तो सी एंड ए हैव सेम साइन, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो सी एंड ए हैव द सेम साइन, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल देन सी ए एंड ए हैव द सेम साइन। और अगर सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करके पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। तो इसके जीरोज पूछे नहीं जा रहे हैं हमसे, बस ये पूछा जा रहा है कि बोथ पॉजिटिव होगा, बोथ निगेटिव होगा, या फिर क्या होगा। तो एक तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे 99 है तो माइनस 99, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये आया माइनस 99। तो जब हमने
दो जीरोज को ऐड करा तो निगेटिव आया, इसका मतलब है या तो दोनों निगेटिव है या फिर कोई एक निगेटिव है और निगेटिव वाला बड़ा वैल्यू है। लेकिन इससे हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, अब हमें अल्फ़ा बीटा करना पड़ेगा। अल्फ़ा बीटा होता है सी बाय ए, ठीक है ना, और यहाँ सी के प्लेस पे यानी कि कांस्टेंट वैल्यू 127 है, 127, और ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो ये प्लस 127 आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ना थोड़ा कन्फ्यूजन में, वो कह रहा है कि भाई एक कोई पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अल्फ़ा बीटा कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट करोगे तो दोनों पॉजिटिव ही आएगा। तो दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, ठीक है ना। तो दोनों पॉजिटिव तो है नहीं, वो अल्फ़ा प्लस बीटा बता रहा है चूँकि वो निगेटिव आ रहा है, तो 100% दोनों क्या होगा, निगेटिव ही होगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बोथ निगेटिव, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये थे 20 MCQs जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अच्छे से, और आप अंत तक बने रहें, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसका खुद से भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, खुद से भी प्रैक्टिस करना है इसका अच्छे से, ताकि आपके भी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए MCQs के साथ, ठीक है ना। तब तक मेहनत करें और भगवान करें कि आप बहुत अच्छा करें, ठीक है ना, हमारे तरफ से यही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।